ठीक है देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी आपसे। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस बीच मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश पलविया हैं, साथ ही नुरेश हैं, और उन दोनों से हम फटाफट से पता कर लेते हैं आज की उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्रूड के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट आया, इससे जुड़े हुए शेयर्स भी पता करेंगे। नुरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आप क्लोजिंग कैसे देख रहे हैं और कल की ओपनिंग, कल कैसा ट्रेड होगा एक्सपायरी वाले दिन, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा, और फिर दूसरा अपनी क्लोजिंग कॉल्स दे दीजिए। तो मानना यही है कि 17,500 होल्ड करना चाहिए और ऊपर में 17,650 एक रेंज होना चाहिए कल के लिए भी, तो ये 150 पॉइंट का रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो टिकेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो पॉजिटिव ही है, सो बायस पॉजिटिव है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नेम्स भी अच्छे लगते हैं और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव है। ओके ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट हमारे पोल जो हमने बनाया है ना नरेश, ऑलमोस्ट वही आपकी भी रिकमेंडेशन है कि बाजार इसे 150 से 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगा। ये जो पोल है यही बता रहा है कि 500 जाएगा नहीं और 700 के ऊपर आएंगे नहीं, ये 500 से मोटा मोटी 700 750 की रेंज के बीच बीच में कहीं में एक्सपायर कर सकते हैं। अच्छा नरेश, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, क्लोजिंग कॉल्स? तो दो कॉल्स रहेंगे, दोनों डिफेंसिव है बट दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया आज। सबसे पहले बाय रहेगा मैरिको, जो लास्ट 5 दिन के रेंज के रेंज को ब्रेकआउट किया है, मिनिमम टारगेट प्राइस होगा 540, स्टॉप लॉस होगा 514। दूसरा बाय होगा एनटीपीसी, जो एक बड़े ब्रेकआउट के आसपास है, अगर 163-165 क्रॉस हो जाता है तो ये बड़ा ब्रेकआउट होगा, स्टॉप लॉस होगा 159, टारगेट होगा 175। एनटीपीसी और आप दूसरा कह रहे हैं मैरिको, दोनों ही अच्छे हैं, डिफेंसिव हैं दोनों। हालांकि एनटीपीसी टिल है एक्सपायरी का शेयर, लेकिन एक्सपायरी के बाद भी चल सकता है, ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। आज सुबह जब राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे 12 बजे, वो भी शेयर के बारे में जानकारी दे रहे थे, मैरिको और एनटीपीसी। ठीक है बिल्कुल, तो मेरे को पे तो पहले भी नरेश बता रहे थे कि बेस अच्छा स्ट्रांग उन्हें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी तो ये हम देख रहे हैं कि कई दिनों से उनकी एक पसंदीदा काउंटर रहा है। ठीक है, राजेश भी है हमारे साथ, राजेश गुड आफ्टरनून। आप इस वक्त कहां किस रेंज के बीच में, क्या कितना बड़ा दायरा आप देख रहे हैं एक्सपायरी का? कल तो शायद आपसे जब बात हुई थी तो आप बताते 17,450 से 17,700 तक, क्या वही रेंज दिख रही है एक्सपायरी के लिए या आपका व्यू यहाँ थोड़ा सा डिफर हुआ है? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखिए, रेंज तो अभी भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 17,450 से लेके 17,650-17,700 के आसपास ही मार्केट मूव करेगा आज और कल के सेशन में, क्योंकि 17,600 पे जिस तरीके से कॉल राइटिंग है, 17,700 पे जिस तरीके से कॉल राइटिंग है, वहां पे अभी भी शॉर्ट कवरिंग नहीं आने को मिली। आज मार्केट जरूर एक बार ब्रीफली 17,600 के ऊपर ट्रेड करने के लिए वहां पे लेकिन वहां पे फिर अगेन सप्लाई प्रेशर बना है, और लोअर साइड पे 17,500 पे काफी एग्रेसिव रिपोर्ट राइटिंग है, तो ये एक अच्छा बेस बना हुआ है मार्केट के लिए। तो 100 से 150 पॉइंट का दायरा हमें लगता है देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट काफी एग्रेसिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मार्केट ब्रेड्थ भी काफी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए इंडेक्स में, तो हमें लगता है 2 दिन के लिए इंडेक्स के जगह हमें स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां पे ज्यादा अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस मिलेंगे। इंडेक्स में एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हमें लगता है कि आज और कल के सेशन में बनते हुए दिखेगा। और ऐसे में आपकी फिर आज की ट्रेडिंग बेट्स क्या होंगी? तो पहला स्टॉक होगा VBL पे हमारी बाय करने की सलाह रहेगी, जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 सेशन से एक करेक्शन का दौर था, स्टॉक में आज वापस जो रिकवरी बनी है, स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म सेटअप तो बुलिश ही है, और स्टॉक में देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक ने एक अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक बनाया है। हमें लगता है वरुण ब्रेवरेजेस को यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सकता है, 1,050 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 980 का। वैसे हम इसमें पोजिशनली हमें लगता है 1,200 रुपए तक की अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में देखने को मिल सकती है, तो पोजिशनल तो हम यहाँ पे इसमें बुलिश व्यू रखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1,050 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। जो दूसरा स्टॉक है वो रिस्क रिवॉर्ड को नजर में रखते हुए हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, वो है PEL का, पिरामल एंटरप्राइज। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है, वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है, डेली सेटअप पे स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 3-4
चार सेशन से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ नियर टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रही है और एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक लोअर बैंड पे अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है अगले दो तीन ट्रेडिंग सेशन में। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट तक पीएल में 2040 तक के, स्टॉप लॉस होगा 1930 का। तीसरा स्टॉक होगा आदित्य बिरला फैशन रिटेल। ये स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा था। अब जिस तरीके से रिकवरी के ट्रेड यहाँ पे देखने को मिले वीकली डेली सेटअप के हिसाब से, जिस तरीके से रोल ओवर एक्शन भी बन रही है, हमें लगता है स्टॉक अब यहाँ पे नई सीरीज में 300 के लेवल भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक से दो दिन का व्यू रखे हैं एबीएफआरएल पे 310 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए, 280 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये स्टॉक्स हैं आपके आदित्य बिरला फैशन और साथ ही आपने बताया ये वरुण बेवरेजेस, पिरामल एंटरप्राइज, ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छे दिखते हैं राजेश। यहाँ से राजेश, आप रिलायंस पर क्या ट्रेड रहेगा आपका? आप यहाँ रिलायंस में एक्शन बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है एजेंट से पहले, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेंथ भी काउंटर ने इतनी लूज नहीं की है, रिलायंस पर आपको ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पॉजिटिव है, एजीएम एक्सपायरी के बाद होगी, एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा यहाँ पे पॉज देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डेटा सेटअप बने हुए कॉल पुट के उसके अकॉर्डिंग ही हमें लगता है 2660-2670 एक रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा इस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमें लगता है पोस्ट एक्सपायरी नई सीरीज में सेप्टेम्बर सीरीज में वापस स्टॉक में जो ओवरऑल सेटअप बने हुए एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2750-2800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ही आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी पोजिशन है बने रहने की सलाह है और हमें लगता है कि यहाँ पे ये सीरीज के बाद वापस से इसमें नया मूव, फ्रेश मूव बाइंग का आते हुए दिख सकता है। उस मूव को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे 2700 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट करेंगे सितंबर सीरीज का, जो कि थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा, जो कि आज ट्रेड कर रहा है करीब 77 के आसपास, ये बाय करें सेप्टेम्बर सीरीज में 2700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। इस ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 115-120 तक के स्टॉप लॉस रखेंगे इस कॉल ऑप्शन का करीब 56 रुपीज के आसपास। बिल्कुल, तो ये कुछ व्यूज रिलायंस पर राजेश की तरफ से। सर, मार्केट में देखें तो निफ्टी और देखिए हल्की रिकवरी आई है, बैंक निफ्टी 120 अंक ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। और अब हम बैंकों की बात कर रहे हैं तो बैंकों के लिए ये जो तिमाही थी वो काफी शानदार थी, हमने देखा काफी अच्छे नतीजे पेश किए और इस तिमाही को लीड किया है बैंकिंग सेक्टर के नतीजों में, और इसमें भी जो छोटे बैंकों के हाल के दिनों में जो अच्छी तेजी देखने को मिली है वहां पर भी काफी अच्छी अर्निंग देखने को मिली है। इसके पीछे के और क्या ट्रिगर्स थे, क्या वजह थी जिसके पीछे हम देख जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में छोटे बैंकों में तेजी दिख रही है, ये पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए। सो हमने देखा है कि सारे स्मॉल और मिड साइज बैंक्स ने काफ़ी एक अच्छी रैली दिखाई है ओवर द लास्ट टू मंथ्स, Q1 रिजल्ट्स के बाद स्पेशली ये रैली काफ़ी प्रोमिनेंट है। जब हम FY22 के लोज या करंट कैलेंडर ईयर 22 के लोज से देखें तो स्टॉक्स लाइक फेडरल बैंक 32% की रैली मार्च के लो से, सिटी यूनियन बैंक 60+% की रैली, IDFC फर्स्ट बैंक भी 60+% की रैली, तो हमने ये सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखी है। और उसका लार्जली रीजनिंग ऐसा है कि जो Q1 के रिजल्ट्स है वो काफ़ी रोबस्ट रहे हैं ये सारे बैंक्स के लिए, जो नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ आया है ये सारी बैंक्स में ऑलमोस्ट 16-22% का NII ग्रोथ ये सारी बैंक्स ने दिखाया है, 26% जो कि IDFC फर्स्ट और सिटी यूनियन ने बताया है, काफ़ी अच्छा NII ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड। जब हम लोन ग्रोथ की भी बात करें काफ़ी अच्छा ग्रोथ, फेडरल बैंक ने 16% लोन ग्रोथ बताया है, और जब हम इक्विटास को देखें 22% का लोन ग्रोथ बताया, और कमेंट्री भी काफ़ी रोबस्ट, इक्विटास ने बोला है कि 30% लोन ग्रोथ का FY23 का उनका गाइडेंस है। सो अक्रॉस द बोर्ड हम ना ही नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ ऑलरेडी ट्रांसलेट होते हुए देख रहे हैं, दूसरा है कि लोन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के वजह से और भी ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम के नंबर पे एक्सपेक्टेड है। दूसरा है कि एसेट क्वालिटी साइड पे जब नेट NPAs को देखें कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट दिख रहा है नेट
एनपीएज में। फेडरल बैंक का नेट एनपीए इनफैक्ट 1% से कम है। जब हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आईडीएफसी पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष ये जानकारी देने के लिए। तो हम देख रहे हैं आज कि छोटे बैंकों में तेजी है, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसे बैंकों का प्रदर्शन भी काफी स्ट्रांग था और आज हम देख रहे हैं कि वो बैंक सभी बैंक आज अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आरबीएल बैंक 9% ऊपर है, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सभी में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अब इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन राजेश जी आपसे एक बार समझना चाहेंगे, रिलायंस पर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने जो रणनीति शेयर की थी वो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, हम उसके लेवल्स एक बार वापस से नोट डाउन कर लें। तो रिलायंस पर देखिए, हम यहाँ पे अगस्त सीरीज में तो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा, आज और कल के सेशन में 2670 इसके लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के डेटा सेटअप बने तो 2700 की स्ट्राइक का ऑप्शन सितंबर सीरीज का हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो की करीब अभी ट्रेड कर रहा है 76 के आसपास। इसमें हम यहाँ पे 55 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 115 से 120 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो रिलायंस में तेजी करने का ही ट्रेड है, लेकिन 2700 की स्ट्राइक सितंबर सीरीज में बाय करने की सलाह है। 2700 की आप कॉल एक बार बाय कर सकते हैं और आप अच्छी कॉल रहेगी क्योंकि आपका समय बहुत होगा। इस बार की सीरीज भी लंबी है, इस बार जो सितंबर की सीरीज होगी वो जाएगी 29 सितंबर तक, तो बहुत लंबा समय होगा और आपको छुट्टी भी नहीं है अगस्त में, तो फिर भी आपको छुट्टी होने की वजह से क्या था कि डेज ट्रेडिंग डेज कम हो गए थे, लेकिन सितंबर में आप एंजॉय कीजिएगा। एयरलाइंस इंडस्ट्री से इस कॉल के साथ 2700 की स्ट्राइक की कॉल है, जो राजेश जी आपको लेवल्स बता रहे हैं उस हिसाब से आप चलिएगा। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुशील केडिया, उनसे अब करते हैं बातचीत। आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ा सा बाजार से ठहरा है, लेकिन जो मार्केट को टेक्निकली देखते हैं, थोड़े डाटा के हिसाब से देखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद अभी और भी चल सकता है। सर एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए, आप इसको किस नजर से देखते हैं और कैसे आपको लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर थोड़ा और चलेगा? करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और करेक्शन और चलेगा। ओके, से होगा सर, और कैसे होगा और किस रूप में होगा, जरा ये जरा हमको अच्छे से समझा दीजिए। जितना अच्छे से बाजार मुझे बता पाएगा मैं उतना ही अच्छे से आपको बता पाऊंगा। देखिए सब सबका अपना अपना व्यवहार होता है जो बदलता रहता है। हाँ। तो कभी हमारे मित्र बड़ी स्पष्ट भाषा में बात करते हैं, कभी गोल मटोल बात करते हैं। तो मार्केट है, मार्केट तो परम मित्र है, उसकी जैसे मर्जी वो वैसे चले। तो कभी बाजार क्लियर ट्रेंड में होता है, कभी कॉम्प्लेक्स करेक्शंस में होता है। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक प्रकार की जार्गन हो गई। तो मार्केट इस वक्त एक करेक्टिव फेज में है और ये करेक्टिव फेज काफी लंबे टाइम से चल रहा है। जो पिछले साल 18,600 का जो टॉप बना था और उसके बाद हम एक बार गिरे, फिर ऊपर आए, फिर गिरे और वापस ये रैली ऊपर आने के बाद फिर गिरे, पांच राउंड होने के बाद अब ये जो बड़ी चाल आई है 18,226 तक की। तो पहले जो 5 लेग थे, काश मैं आपको चार्ट दिखा पाता जो कनेक्ट नहीं हो पाई, ये सिर्फ उसका कनेक्टर फेज है। तो जो भी लोएस्ट लेवल 15,200 के बने थे वो आगे पीछे टूटेंगे, पर वो अभी टूट जाएंगे ये बाजार स्पष्टता नहीं दे रहा है, उसके पहले 18,600 भी हो सकता है। तो उसके बीच में एक और मध्यांतर रेंज है। फिलहाल जो बड़ी जोर से बाजार एक ही दिन में गिरा, दो दिन में, और सब तेजी की बात करना भूल गए तब, अब थोड़ी सांस संभली है कल से जरा सा उछाल जो बना है, तो 17,730 के ऊपर अगर बाजार चल पड़ा, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं फिलहाल के लिए इस करेक्शन की संभावना को पोस्टपोन कर दूंगा और 17,730 के ऊपर जब तक ये ना चले तो एक बार 17,150 तक निफ्टी सरक सकती है, फिर उसके बाद वापस एक रैली का मौका आएगा। तो इंडेक्स जितनी कॉम्प्लेक्स है उसकी जगह ज्यादा स्पष्टता जो मुझे सेक्टोरली दिखती है, छोटे बैंक्स अभी भी हम बिल्कुल सेल कॉल नहीं, उनमें बाई कॉल्स आ रहे हैं, पर जो बड़े बैंक्स हैं चाहे वो SBI हो, चाहे ICICI, इंडसइंड और एक्सिस बैंक, इनकी सबकी चार्ट बिल्कुल भयावह हो चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं कि इनमें साल का नया लो भी आ जाए, वो नया लो आने के पहले एक बार वापस रीटेस्ट कर लेंगे हाई को, ये चार्ट भारी हो गई है, ऑटो के सभी स्टॉक्स भारी हो गए। तो अगर बाजार नीचे की तरफ चल पड़ेगा, निफ्टी नीचे की तरफ चल पड़ेगी, तो डाउन साइड बीटा का एक्सपेंशन मुझे लार्ज ऑटोज और लार्ज बैंक्स में लगता है। मैं IT बेचूंगा ही नहीं, चाहे कोई भी करेक्शन आएगा मेरे को नीचे में लेना है, मेरे को फार्मा में भी शॉर्ट सेल्स नहीं कर रहे हैं। अगर करेक्शन आएगा तो उसके बाद के राउंड के आउट परफॉर्मर्स ये स्टॉक होंगे, करेक्शन नहीं आता है तो ये इमीडिएट आउट परफॉर्मर्स हो जाएंगे। सो थ्रस्ट इज टू बी बाइंग द स्ट्रेंथ इफ इट कम्स इन IT एंड फार्मा, और अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो ऑटो और बैंकिंग को बेचना है। इंडेक्स को इस वक्त फिलहाल रिलायंस ने संभाल रखा है, 2700 रुपए का
रिलायंस पे एक फलक्रम है और जब तक उसके ऊपर ये नहीं चले तो वापस रिलायंस भी 2200 हो सकती है अगर बड़ा करेक्शन बाजार का बन गया। देखिए पूरा वर्ल्ड इवेंट ड्रिवन है और सबसे क्रिटिकल इवेंट जो मुझे लगता है ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है वो है ऑयल में ऊपर का ब्रेकआउट आ गया। तो अभी तक ऑयल और निफ्टी लास्ट 6 महीने में एक साथ चल रहे हैं, जबकि 15-20 साल के डेटा में देखोगे उल्टा चल रहे हैं एक दूसरे के। और 15-20 साल के डेटा में आप देखोगे तो क्रूड करीब करीब 15 दिन पहले स्टॉक मार्केट से बढ़ना या गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी अगर ये दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, स्कैर्सिटी ड्रिवन वर्ल्ड है, लॉजिस्टिक्स चैलेंज ड्रिवन वर्ल्ड है, वॉर ड्रिवन वर्ल्ड है, तो क्रूड के इस ब्रेकआउट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। और क्रूड का अगला पड़ाव 104 है 9x लाइन का, वो निकल गया तो 124। और अगर इस तरह की क्रूड में उछाल आ गई तो मुझे कोई भी ओवरबॉट जो भी है लार्ज बैंक्स या ऑटोज में बिल्कुल भी लेवाली नहीं करनी, उनको बेच के ही कमाने की कोशिश करना है। ठीक है, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सुशील। तो यानी दो लेवल्स जिनका हमको ध्यान रखना है, आप बता रहे हैं कि 17750 के आसपास, उसके ऊपर ही आप यहाँ पर और फर्दर बाइंग देखेंगे, तो यानी अभी तो हम एक ऐसे जोन में है जो बहुत ही वेट एंड वॉच जोन है। पिछले हफ्ते भी आपने बात कही थी और मुझे याद है आपने स्पेशली आईटी के लिए बोला था कि वहां से आपको रिवर्सल दिखता है, आपको मेटल में, आपने एल्यूमिनियम का स्पेसिफिकली कहा था, एल्यूमिनियम में ट्रेड्स दिखे भी हैं। एल्यूमिनियम और मेटल से तो बड़ी चाल आ चुकी है। करेक्ट, मैं यही बात कर रही हूँ कि एल्यूमिनियम में चाल दिखी भी है, लेकिन ये जो आप टाइम फ्रेम है, ये किस टाइम फ्रेम में एक्चुअली व्यूअर्स इसे मैप करें? क्या ये आप एक एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, अगले 2 से 3 महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो में वीकनेस आपने पिछली बार इंडिकेट की थी। देखिए ट्रेडिंग हमेशा इमीडिएट ट्रेडेबल टाइम होराइजन या नेक्स्ट स्विंग पे होगा, तो अगर कभी कभी कोई चार्ट या बाजार थोड़ा टाइम पास कर देता है, 4-5 दिन बीच में साइडवेज चला गया, तो प्रिसाइज टाइम इसीलिए नहीं पकड़ी जा सकती। पर अगर मैं ये जो माइनर रेंज की बात कर रहा हूं 17,730 to 17,100, ये अगले 6-7 दिन की रेंज है। 6-7 दिन के अंदर अंदर अनुमान है कि ये रेंज में से दो में से एक आंकड़ा टूट जाएगा। 15 दिन पकड़ लो, 17,100 से वापस 4-5 दिन का भी रिबाउंड आ सकता है। अगले 10-12 दिन के लिए आप 17,150 से 17,700 की रेंज का टाइम फ्रेम अनुमान लगा लो। और अगर 17,150 टूट जाता है वहां से रिबाउंड लेने के भी बाद में, तो करीब करीब अगले 1 से 1.25 महीने के टाइम फ्राइम में आप ये लगा लो कि निफ्टी 16,600 या और भी नीचे का स्तर जा सकती है। नीचे का स्तर खुला हुआ है, फाइनल बॉटम नहीं हुआ है, पर मार्केट दोनों तरफा खेल रहा है। देखिए इसमें क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है, मैराथन नहीं हो रही है, सटासट कोई सेंचुरी मारने वाला बाजार नहीं है, फुटबॉल का मैच चल रहा है और मार्केट सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो बाएं पैर से भी बॉल निकाल सकता है, दाएं से भी निकाल सकता है, ट्रेडिंग आपको दोनों साइड करनी पड़ेगी। तो दोनों साइड करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ में जो सेक्टर स्ट्रांग है तेजी चल पड़ेगी, तो अंडर परफॉर्मर्स जो आउट परफॉर्मर बनेंगे उनको लेंगे, मंदी चल पड़ेगी तो हम जो ओवरबॉट बैंक्स हैं उनको बेचेंगे, छोटे बैंक्स को लॉन्ग रखेंगे, सामने बड़े बैंक्स बेचते हैं। ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट स्ट्रेटेजी है। ऑल राइट, तो ये व्यू इन सेक्टर्स पर। सुशील जी गुड आफ्टरनून, पूजा यह मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में फिर आपका क्या व्यू बन रहा है कि यहाँ पर भी तेजी आ चुकी है, निकलने का वक्त है या फिर एंट्री लेना चाहिए? कौन कौन से सेक्टर और स्पेस हैं स्पेस में जो आपको अच्छे लग रहे हैं? हम अभी फोकस ज्यादा लार्ज कैप्स पे ही करेंगे क्योंकि अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, और जो मिड कैप्स हमने 2 साल के 1 साल के 3 साल के व्यू पे लिए हैं उनको ऐसे एक एक महीने के मार्केट व्यू पे पोजीशंस तो हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते। पर अब देखिए जैसे कि अब ऑटो एंसिलरीज अब काफी अच्छी रोबस्ट ग्रोथ आ गई, 40% ग्रोथ आ गई और हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बड़ा टर्नओवर का रिपोर्टिंग आ गया। पिछले 2.5-3 महीने से मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि मुझे ऑटो एंसिलरीज बेचना ही नहीं है, हर करेक्शन में लेना है। अब हमारा स्टांस वहां स्विच हो गया कि ऑलरेडी बहुत बढ़ गए हैं, ये सबकी चार्ट्स ओवरबॉट है, यहां से बेचने की कोई जल्दी नहीं, पर हमें 100 रुपए का नया ऑटो एंसिलरीज नहीं लेना है। न्यूज पढ़ के जिन्हें पार्टिसिपेट करना है, जब वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और हमारी चार्ट बोलेगी बेच दो, तो हमने नीचे से अगर बॉस्क में 30-35% का इजाफा देख लिया, 50% MRF में मिल गया तो 40%, तो अब हम उनको 10-12-15% और जो भी मिलेंगे वो लेंगे। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग नजरिया है और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अब बाजार है, सेक्टोरली भी वो चल नहीं रहे हैं। तो सीमेंट, आईटी और फार्मा अगर पुल बैक्स में हमें लेना ही है, शॉर्ट करेंगे नहीं हम, और अगर करेंगे हम शॉर्ट तो सिर्फ बैंक, लार्ज बैंक्स और ऑटो को ही करेंगे। पर देखिए बहुत बड़ी अनिश्चितता का कारण ये भी है कि 108-8.5 के स्तर पे वापस अगर डॉलर इंडेक्स आ गई है लौट के,
और पिछली बार जो टॉप बना था वो लगा था कि ये लॉन्ग टर्म टॉप बन गया और बहुत बड़ी करेक्शन अगले 2 साल की चलेगी, तो पैटर्न थोड़ा सा बदला है। हो सकता है अगर यहाँ से भी ये ब्रेकआउट दे दे और डॉलर पूरे विश्व में तबाही मचा दे और यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी के निकल जाए, तो वैसी ही अनिश्चितता है। तो हर समय और हर मौसम बड़े दांव लगाने का नहीं होता है, मुझे लगता है बचने के लिए ज्यादा जरूरी है, अभी बचने का समय है, बड़े दांव लगाने का टाइम बाद में आएगा। ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, मितेश पंचाल है साथ ही अविनाश जी हैं, उन दोनों से हम और बातचीत करेंगे, कुछ एक बेहतरीन शेयर भी हम आपके लिए ढूंढ ढूंढने रखने की कोशिश कर रहे हैं। असाही इंडिया ग्लास, अविनाश जी मेरे को अच्छे से याद है शायद आपने एक बार ये रिकमेंड किया था एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रेड के तौर पर, असाही इंडिया ये ग्लास की कंपनी है, पहले माना जाता कि ऑटोस के लिए है, लेकिन मैं इसके जब बैलेंस शीट पढ़ रहा था अब ये तो रियल एस्टेट्स के लिए भी काफी अच्छे ग्लास बनाते हैं, और आपको पता ही आपका आजकल तो ग्रीन बिल्डिंग्स बनती है, ग्लास ज्यादा होता है और कंक्रीट थोड़ा कम होता है, तो एक बार जरा असाही इंडिया पे अपनी रिकमेंडेशन दोगे आप? आज 7% ऊपर, इसलिए नहीं पूछ रहा, ये इसलिए पूछ रहा क्योंकि लगातार चल रहा, आप इसका 1 साल का चार्ट दिखाइए फिर आपको इसकी डेप्थ पता लगेगी कि शेयर कैसे अच्छे से चला है। सर ये और चलेगा क्या? गुड आफ्टरनून डिम्पी, देखिए मुझे लग रहा है कि असाही ग्लास का जो प्रोडक्ट है वो काफी यूनिक है, बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है असाही ग्लास जापान का, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी ट्रैक्शन हमको ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिख रहा है, स्पेशली पैसेंजर कार सेक्टर जहाँ पे इनका एक्सपोजर मारुति का सबसे बड़ा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफी आ रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई भी तरीके से कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो विंडशील्ड होता है गाड़ियों के विंडोज की जो कांच होती है वो तो ये बनाएंगे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई फर्क आने वाला नहीं है, इनफैक्ट इनके लिए तो अच्छी बात है क्योंकि इलेक्ट्रिक की गाड़ियां ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली ज्यादा कार के मॉडल्स आएंगे और उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। दूसरी बात आपने सही कही कि इनका आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट स्पेस में भी काफी बड़ा नॉन ऑटो बिजनेस है जो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन हम रियल एस्टेट सेक्टर में दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन स्पेस में अभी ग्रीन एनर्जी को लेके, उसका कंजर्वेशन को लेके काफी अच्छी सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात मार्जिन प्रेशर जो पहले 1-2 क्वार्टर्स में था, अभी इस क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर भी थोड़ा सा गया क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ इंप्रूव हो चुका है, तो डिम्पी मुझे लग रहा है कि इवन फ्रॉम दिस लेवल मुझे लग रहा है कि 700-750 का लेवल पॉसिबल लग रहा है, अगर किसी को कम से कम साल सवा साल का अगर टाइम फ्रेम रखना है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में बेसिकली प्रोडक्ट मोनोपोली है, मार्जिन का भी आउटलुक पॉजिटिव है, और जो टेलविंड्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर का नॉन ऑटो सेक्टर का वो अभी भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, साई इंडिया के अंदर आके वाल आज की तेजी नहीं है, बल्कि अविनाश जी तो आपको पूरा इसके बारे में बता भी रहे हैं कि क्यों इस कंपनी को आपको चुनना चाहिए और अभी भी बाय का ठप्पा लगा, यानी कि अभी भी खरीदारी के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अविनाश सर आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ रही है, प्रसाद पटवर्धन जो कि कंपनी के CFO हैं ITD सीमेंटेशन के, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, कुछ तो नंबर्स और साथ ही मैं आपकी ऑर्डर बुक के लिए मैं आपसे थोड़ा चर्चा करना चाह रहा था। इस बार के आपके रेवेन्यू ग्रोथ में करीब 20-25% की ग्रोथ आई है, क्योंकि सर आप एक ऐसे नीश सेगमेंट में काम करते हैं पे सरकारी ऑर्डर्स फ्लो काफी अच्छे से आ रहे हैं, मेरे को जरा ये बता पाएंगे टोटल ऑर्डर बुक में से सरकार का कितना हिस्सा है और वहां पे मार्जिन आप कितने एंजॉय करते हैं और कितने ऑर्डर्स मिलने की तादाद में है, यानी कि L1 बिडर हो सकते हैं आप? गुड आफ्टरनून और थैंक यू मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वार्टर में जो हमारा रेवेन्यू रहा है वो करीब 33% ग्रोथ रहा है, नॉट 25% ऑन ईयर बेसिस, हमारा रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 33%। दूसरी बात है ऑर्डर्स की, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ज्यादा करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर हमारे ऑर्डर बुक में अभी एक बड़ा रोड प्रोजेक्ट हमको मिला, उसके वजह से प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी बढ़ गया है और अबाउट 35% तक हमारा प्राइवेट सेक्टर का ऑर्डर बुक पे शेयर आता है। ठीक है, अब सर अच्छा मैं अगर आपसे फिर गाइडेंस के तौर पर पूछूं तो आगे गाइडेंस कितनी देंगे सर आप मार्जिन्स वगैरह की? मार्जिन्स तो हमारे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे मार्जिन्स Q3 या Q4 से इंप्रूव होना आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो लेगेसी ऑर्डर जो है हमारे ऑर्डर बुक में जिसमें पिछले सालों में हमने लॉस बुक किया है तो वो प्रोजेक्ट पूरे खत्म हो जाएंगे इस साल में, और दूसरी बात यह है कि कमोडिटी प्राइसेस जैसे करेक्ट होते हैं
तो उसका इंपैक्ट भी हमारे मार्जिन्स पे, हमें उम्मीद है कि क्वार्टर थ्री या क्वार्टर फोर से हमारे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। एक और चीज जानना चाहेंगे मिस्टर प्रसाद, हम आपकी ऑर्डर बुक तो खैर स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, एक अच्छी ऑर्डर बुक है, लेकिन क्या ये एग्जीक्यूशन टाइमलाइन किस तरह की दिख रही है, और साथ ही FY23 के लिए आप ऑर्डर बुक की क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ऑर्डर बुक ऐसा है, क्वार्टर वन में ही हमारा जो ऑर्डर बुकिंग हुआ है वो करीब 6000 करोड़ का हुआ है, तो इस वी आर वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद द वे वी हैव बुक्ड द ऑर्डर्स इन द लास्ट 6 months और सो। और ऑर्डर बुकिंग और भी काफी ऑर्डर्स है जो पाइपलाइन में है, जिसमें हमने बिड सबमिट किया है या आगे के कुछ एक दो महीने में हम सबमिट करने वाले हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर और 2-4 हजार करोड़ के भी ऑर्डर हमको इस साल में मिल जाते हैं। दूसरी बात, आपने कही रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इस साल में हम अभी तक जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 25% का रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस बता रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि ऑर्डर्स जो हमको मिले हैं पिछले 6 महीने में ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे चेन्नई मेट्रो के 2 ऑर्डर्स मिले हमको 4000 करोड़ के, और ये रोड का प्रोजेक्ट मिला 4850 करोड़ का, तो ये अभी प्रिपेरेटरी स्टेज में है और ये ऑर्डर्स हमारे रेवेन्यू और मार्जिन्स पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे Q4 से। तो इसके लिए इस साल के लिए हमारा जो जो एस्टिमेट है ग्रोथ का वो अराउंड 25% है, लेकिन आगे चल के हमें उम्मीद ये है कि इससे काफी ज्यादा ग्रोथ FY24 में दिखना चाहिए। प्रसाद जी, एक आखिरी क्वेश्चन, किस सेगमेंट से आपको अच्छे ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आपके मरीन वाले में, आपके इरिगेशन से जुड़ा हुआ, अर्बन इंफ्रा से, या फिर ये वाटर और वाटर वेस्ट वाला जो मैनेजमेंट है यहाँ से जा रहा हो, तादाद किसकी ज्यादा अच्छी है? तादाद तो ज्यादा जो अच्छी हमको 3 सेगमेंट में, मरीन में हमको काम मिले हैं, हमको मेट्रो में अंडरग्राउंड मेट्रो के काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, और अभी फिलहाल जो लास्ट 1-2 महीने में हमको ऑर्डर मिला वो एक गंगा एक्सप्रेसवे रोड प्रोजेक्ट का हमको ऑर्डर मिला है जो करीब 4850 करोड़ का है। तो ये 3 सेगमेंट में हमको ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है, और काफी ऑर्डर्स इन्हीं 3 सेगमेंट में और दूसरे 1-2 सेगमेंट में भी बिडिंग और टेंडरिंग के लिए आने के चांसेस है नेक्स्ट कुछ महीनों में, तो हम उनपे भी फोकस करते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी आज समय देने के लिए और ये सारी बातों के सारे इंसाइट्स हमारे व्यूवर्स तक शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले वापस लौटेंगे, और आपने हमारे पैनल पे अब 2 और एक्सपर्ट्स हमसे जुड़ गए हैं, हमारे साथ रुद्रा भी हैं आप और मितेश पंचाल भी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रुद्रा, चलिए पहले आपसे शुरुआत करते हैं। रुद्रा, आज बड़े दिन बाद आपसे बात होगी, मार्केट पर जब लास्ट टाइम आपने बात की थी तो आपने कहा था आई एम नॉट बुलिश, आई एम वेरी 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 बुलिश, आज क्या व्यू बन रहा है? थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर रिमाइंडिंग दैट मार्केट में अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग क्या आया है, आई फील दैट इज ऑलरेडी ओवर एंड आई फील द मार्केट विल अगेन रेज्यूम बैक द अप मूव। पहला इफ यू सी द निफ्टी टेक्निकली एग्जैक्टली इट टुक सपोर्ट एट 20-डे मूविंग एवरेज यस्टरडे, बाउंस्ड बैक। आज भी बेयर्स आर अटेम्प्टिंग अ सेल ऑफ, नॉट पॉसिबल, 20-डे मूविंग एवरेज अगेन मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट। लुक एट बैंक निफ्टी, इवन यस्टरडे मार्केट बाउंस्ड बैक इन द लास्ट हाफ एन आवर, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इवन टुडे वी सी अ बाउंस बैक इन मार्केट इन द लास्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉट एवर इज लेफ्ट आउट। आई वोंट बी सरप्राइज्ड टुडे इफ वी सी another big bounce in market due to short covering. Market का positioning बहुत important होता है प्रियंका, अभी market में बहुत shorts है already and any good news or even if there is no bad news, market will attempt a short covering rally and that can go on and market can test levels of 17,750 and even 18,000. So this is not a level to go short. Risk reward इधर short करने में definitely it is not favorable. If you want to short this market, wait for break of 17,380 and then go short. But at this point of time, I will look at buying opportunity. And if today we close above 17,620 in future, I see this market moving till levels of 17,750 to 17,800 and even eventually 18,000. And the same with Bank Nifty, I see a big positive move coming because of short covering rally, and this is not a place to go short. राइट, तो रुद्र आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज कौन कौन से होंगे आज के लिए? पूजा, मेरे को पहला रिलायंस लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट,
इनफैक्ट दिस इज वन स्टॉक विच यू कैन बाई इवन फॉर एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म एंड हैविंग गिवन अ वेरी बिग मूव रिलायंस कंसोलिडेटेड वेरी वेल एट लेवल्स ऑफ 2300 2500 एंड नाउ स्लोली इट इज मेकिंग अ मूव ऑन द अपसाइड. मेरे को रिलायंस अभी भी ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है एंड इवन फॉर अ पोजिशनल कॉल एंड इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिलायंस लुक्स वेरी गुड. लुक एट फॉर ट्रेडिंग इनिशियल टारगेट ऑफ 2675 टू 2700. Keep a strict stop loss for a trade purpose at around 2625. And just for a BTST or just for a day or two kind of a call, ICICI looks very strong to me. And this stock, again, one can definitely buy. Look at initial target of 885 to 900 and keep a strict stop loss of 860. I won't be surprised even today we get a big bounce in market in the last 45 minutes. I will be here till 3:30. We will get to know. ठीक है, आईसीआईसी बैंक और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के बारे में रिकमेंडेशन दे रहे हैं. थोड़ी देर पहले हम रिलायंस के बारे में चर्चा भी कर रहे थे. ज्यादातर एक्सपर्ट्स रिलायंस के लिए बुलिश ही दिखते हैं. खैर, मितेश भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एक काम बोलूंगा टिकर टीम को, जरा वो इस बीच आपको ना नेस्टेक के फ्यूचर्स को एक बार वापस से फ्लैश कर दे, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी हमको आती हुई दिख रही है और बाजार भी निफ्टी में भारी निशान की तरफ लौट रहा है. बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा पहले से तेज आ चुका है. मितेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए. आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल सर बताइए. सर गुड आफ्टरनून. बेसिकली मंडे को अगस्त 22 को हमने एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट रिलीज की है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे. आप जानते हैं यही शो पे हमने थोड़े समय पहले एमएनसी फार्मा के ऊपर ऑलरेडी एक बुलिश व्यू दिया है. तो दो स्टॉक्स तो वहीं से हैं, अबॉट इंडिया एंड एस्ट्राजेनेका फार्मा. हमें लग रहा है कि एस्ट्राजेनेका फार्मा में एक नया वेव शुरू हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड एस्ट्राजेनेका फार्मा एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा और ये मल्टी क्वार्टर रैली होगी यहां से. तो पहला एमएनसी स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है अबॉट, दूसरा है एस्ट्राजेनेका फार्मा और इंडियन फार्मा से दो स्टॉक क्वालिफाई हुए हैं. पहला है टोरेंट फार्मास्यूटिकल. हमको लग रहा है टोरेंट फार्मा में अगर आप मंथली और वीकली चार्ट का कॉम्बिनेशन देख लो तो सिस्टम और मैथड ने इंडिकेट किया है कि यहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली शुरू होनी चाहिए और अगले 3 से 6 महीने में यहां से तकरीबन 15 से 20% का अपसाइड हमको ये स्टॉक्स में मिलेगा. तो पहला है टोरेंट फार्मा जो हमने 1541 के लेवल पे ऑलरेडी रिकमेंड कर चुके हैं. दूसरा है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. वो ये जो स्टॉक है जेबी केमिकल्स, उसमें भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है. तो गोइंग फॉरवर्ड इसमें भी हमको लग रहा है कि 15 से 20% का उछाल अगले 1 से 3 महीने में आएगा. तो नेट नेट सिस्टम और मेथड के हिसाब से फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स आर गोइंग टू गो अप. उसमें एमएनसी फार्मा में एबॉट और एस्ट्राजेनेका फर्स्ट ट्रांच में आइडेंटिफाई हुए हैं और इंडियन फार्मा में जेवी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल और टोरेंट फार्मा हुआ है. जैसे ही गोइंग फॉरवर्ड अगले वीक में दूसरे स्टॉक्स अपडेट होंगे तो हम अपडेट करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए. लेकिन फिलहाल हमें ये 4 स्टॉक्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ी तेजी अगले 3 से 6 महीने में दिख रही है. ओके, ठीक है. फार्मास्यूटिकल्स पे आप बुलिश हैं, आप कह रहे हैं कि जेबी चल सकता है, आप एस्ट्राजेनेका के बारे में भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं और आपकी रिपोर्ट भी हम नोटिस जरूर करेंगे. एक बार जरा वो कॉपी जरा हमको भी भिजवा दीजिएगा. अबॉर्ड इंडिया भी आपकी लिस्ट में से एक है जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं. ठीक है. इस बीच राजेश सर, आपसे जरा 2-3 शेयर मेरे को पता करने हैं. ये अदानी एंटरप्राइजेस को BTST करके जाएं क्या, कल के लिए लेके जा सकते हैं क्या अदानी एंटरप्राइजेस? डीपी जी देखिए, स्टॉक काफी वोलेटाइल होता है और स्टॉक में एक वन वे रैली तो जरूर देखने को मिली है. हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि इसका ऑप्शन में आपको बाय किया जा सकता है BTST में. सितंबर सीरीज का 3100 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से. अगस्त में तो ट्रेड अलाउड नहीं होगा लेकिन सितंबर सीरीज में बाय किया जा सकता है 183 के आसपास, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसके पॉजिटिव है और हमें लगता है जिस तरीके से अडानी एंटरप्राइज में एक्शन बनते हुए दिख रहा है ये स्टॉक में, हमें लग रहा है कि यहाँ पे 3200-3300 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी. तो हम यहाँ पे 3 दिन की डिप के बाद वापस से आज स्टॉक में लोअर साइड से जो बाइंग इंटरेस्ट बना है और अभी रोल ओवर के चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक मूव बनते हुए दिख सकता है, 3200 की तरफ मूव आते हुए दिख सकता है. 3100 का कॉल ऑप्शन सेप्टेम्बर सीरीज का बाय करें 182-183 में. स्टॉप लॉस रखें करीब 145 का, अपसाइड का टारगेट 220 और 240 तक आते हुए दिख सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो ये अदानी एंटरप्राइज पर लेवल्स बता रहे हैं यहाँ पर राजेश, और पिछले कितने दिनों से देख रहे हैं अदानी स्टॉक्स अच्छे एक्शन में. अदानी एंटरप्राइज 3000 के ऊपर भी है. लेकिन इस बीच एक न्यूज पाम ऑयल के एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन को लेकर आ रही है. एक बार चलिए पहले पूरी खबर समझ लेते हैं विश्व मोहन से. विश्व मोहन कमोडिटीज कवर करते हैं, उनसे पहले समझ लेते हैं इस वक्त क्या चल रहा है पाम ऑयल में. विश्व बताएं.
देखिए इंडोनेशिया ने जो फैसला किया है कि उन्होंने एक्सपोर्ट टैक्स पर जो है एक्सपोर्ट लेवी को 31 अक्टूबर तक पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। पहले 31 अगस्त तक ही वो छूट देने की तैयारी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि उनके पास सप्लाई इतनी ज़्यादा है और नए फ्रूट्स अगर फार्मर्स उन्हें खरीदने हैं तो पुराने रिजर्व को इंडोनेशिया को खत्म करना होगा, और यही वजह है कि इंडोनेशिया ने इस तरह के फैसले लिए और वो टैक्स छूट को जो राह दिया है वो 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ मलेशिया को देखें तो यहाँ भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, करीब करीब 8 महीने की ऊंचाई पर वहाँ भी इन्वेंट्री है, वहाँ से भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ओवर एक सप्लाई तेजी से ग्लोबल मार्केट में पाम तेल की आ रही, तो ऐसे समय में भारत जैसे कंज्यूमर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाम तेल की खपत होती है और इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा होता है तो भारत जैसे देशों के लिए ये फायदेमंद है। इसके अलावा FMCG कंपनियाँ जिनके लिए रॉ मटेरियल में पाम तेल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो पैकेज फूड्स हो, किसी भी स्नैक्स हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो या कॉस्मेटिक्स हो, बहुत सारे होम केयर चीज़ें हैं जहाँ पर पाम तेल का इस्तेमाल होता है, तो FMCG कंपनियाँ खास करके HUL, ITC, बिटानी और नेस्ले जैसी कंपनियों को डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। उनके अगर पाम तेल के दाम नीचे आते हैं तो उनको अपनी लागत कम करने में यहाँ मदद मिलेगी, ये एक अच्छी खबर है FMCG कंपनियों के लिहाज से। बिल्कुल विश्वास, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि पाम ऑयल को लेकर पहले इंडोनेशिया एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा था, जब वहां पर सप्लाई टाइट करनी थी उन्हें अपने घर में, अपने घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में उन्हें प्राइसेस को कंट्रोल करना था, लेकिन अब सप्लाई ओवर सप्लाई है यही बता रहे थे हमें विश्वा इंडोनेशिया से, मलेशिया से, और ये सारी कंपनियां FMCG कंपनियां पाम ऑयल एज अ इंग्रेडिएंट यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में, उनके लिए कॉम्पोनेंट है, रॉ मटेरियल कॉम्पोनेंट है जो है उन्हें चीपर मिल रहा है, लेकिन आज बाजार पर तो ओवर हैंग थोड़ा सा सेक्टोरिकली सभी स्पेसेस पर है, इसलिए हम रिएक्शन देख रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें फर्क पड़ता है। गोदरेज एग्रोवेट, इसको एक बार देखें, हमें मितेश आप बताएं क्या आपको कोई ट्रेंड इस तरह का इन स्टॉक्स में कैसा दिखता है, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट अभी तो कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा पर इसके लिए नेगेटिव न्यूज होती है, कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक को और इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या ट्रेंड आपको दिख रहे हैं? बेसिकली गोदरेज एग्रोवेट की बात करें तो बॉटम फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बिटवीन द प्राइस ऑफ 500 से लेके 515 तक, तो पिछले अगर आप एक महीने का चार्ट देख ले तो वीकली चार्ट के ऊपर 500 से लेके 515 तक जब भी स्टॉक आया है तभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है, 500 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऊपर में आप देखेंगे तो 545 का जो लेवल है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दो बार मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है स्टॉक लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो है वो ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज में है, 500 से 515 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 545 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर यही स्पेस में बात करूं तो हमने आगे भी बताया कि आई थिंक जो बायर क्रॉप है, धनुका एग्रीटेक है, कावेरी सीड्स है, तो एग्री स्पेस में पेस्टिसाइड जो है PI इंडस्ट्री है तो वहां पे सिस्टम और मेथड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया है और पिछले दो वीक पहले ही PI इंडस्ट्री में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आया है, तो वी आर एक्सट्रीमली बुलिश बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड, उसमें बायर क्रॉप है, धनुका है, PI इंडस्ट्री है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, ये स्टॉक्स में हमारा रुझान पॉजिटिव है और यहाँ पे सिस्टम और मेथड ने कैटेगरिकली एक लंबी तेजी के लिए इंडिकेशन ऑलरेडी किया है। बिल्कुल, तो ये राय गोदरेज एग्रोवेट में आपको दे दी गई है। इस बीच हम देख रहे हैं कि बैंकों में काफी शानदार तेजी है, उसमें भी छोटे मझोले बैंक जो हैं वो काफी चल रहे हैं। RBL बैंक देखिए अब 15% ऊपर आ चुका है, IDFC फर्स्ट बैंक में 5% की तेजी है, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, सभी में आज अच्छी शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे। अविनाश, ये सभी बैंक कैसे लग रहे हैं आपको, अगर स्पेसिफिकली मिड कैप स्पेस की बात करें? नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं, हाल फिलहाल में चले भी काफी हैं, अभी ये ओवरऑल स्पेस कैसा दिख रहा है आपको, कोई बैंक है इन स्तरों पर जो अच्छा लग रहा है, अभी भी बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ? डेफिनेटली आई थिंक स्मॉलर बैंक्स में अगर हम फेडरल बैंक की बात करें या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबर्स काफी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी डबल डिजिट्स में हो चुका है, तो इसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को जरूर मिलेगा क्योंकि पहले सिर्फ रिटेल डिमांड थी, अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से बैंकिंग डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर साबित हो सकता है और यहाँ पे काफी ऐसे विकल्प है जैसे कि फेडरल बैंक है जो काफी यू नो वेल पोजिशनड है, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इनका कासा रेशियो प्लस इनका डिपॉजिट बेस काफी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को गिने चुने ऐसे स्मॉल बैंक्स में जरूर पोजीशंस लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगले 6 से 12 महीने में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आएगी क्योंकि इकोनॉमी जिस प्रकार से ग्रो कर रही है उसका फायदा इन बैंक्स को डेफिनेटली आगे आने वाले उनके नंबर्स में देखने को मिलेगा।
और चलिए इस बीच संजीव भसीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है सर, कल एक्सपायरी का दिन भी है, क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल मार्केट में? हम देख रहे हैं काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इस बीच देखने को मिल रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपको? इस बीच रणनीति भी आप शेयर करिए, कहाँ पर नजर है आपकी? उतार चढ़ाव कहाँ दिख रहा है? एक तरफ तो दिख रही है मार्केट 17,300 से 17,600 हो गई, कल 17,800 हो जाएगी, तो क्यों वेट करना? अच्छा पोर्टफोलियो है तो बने रहिए, और आपके यहाँ तो चार तीन दिन से कह रहा लेने की चेष्टा कीजिए। लुक एट आरबीएल बैंक, 95-97 आज 120 का टारगेट दिया था, 15% अप सर्किट पे लग गया। इसके अलावा आपको तीन दिन से कह रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल, देखिए टॉप गेनर है आज का। अब आपके लिए तीन पिक्स हैं, आप गए तो मैं शुरू करूं। संजीव जी अपना आपके कन्विक्शन तो हम देख रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली चल भी रही है बाजार, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ अपनी लूज नहीं करना चाहता। अभी भी अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर जिटरीनेस है, वॉलेटिलिटी है, तो वो सिर्फ एक्सपायरी वीक की दिख रही है और स्टॉक्स भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नई कॉल्स भी आपने आइडेंटिफाई की है संजीव जी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले लीजिए वेदांता। आई थिंक वेदांता इज द मोस्ट कंप्लीट कंपनी विद ऑन नॉन फेरस मेटल्स एंड एक्सपोजर इन एवरीथिंग फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर टू एल्यूमिनियम। कॉपर इज एट अ 30-year लो और मुझे लगता है वेदांता कैनॉट ट्रेड बिलो बुक, तो वेदांता इज अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट स्टॉक टू बाय। 300 का टारगेट है, अभी आप 265-266 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 260-285 का टारगेट, विच कैन कम वेरी फास्ट। सेकेंड पिक वुड बी गेल, आई थिंक गैस प्राइसेज आर हेडेड हायर, देयर इज अ कोल्ड विंटर कमिंग, 132 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 127-140 का टारगेट। और तीसरा मेरा फेवरेट बॉश, 17,350 में मिस मत कीजिए, 18,000 से 18,200 का टारगेट, 16,900 का स्टॉप लॉस। आरबीएल बैंक ने तो शानदार जो मूव दिखाई है, आप आज भी 15% की मूव दिख रही है, खैर आप तो इसको पोजिशनली भी रेकमेंड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, लेकिन एक बार के लिए जो ट्रेडर्स हैं जिनका नजरिया सिर्फ शॉर्ट टर्म का है, वो प्रॉफिट बुक कर लें, आपको अभी भी तेजी दिखती है इसमें आरबीएल बैंक में? क्या नए 140 का टारगेट दिखता है मुझे, इतना अंडर ओनरशिप और इतनी ज्यादा पेसिमिज्म है, और कल ही आपको सर्किट फिट लगेगा। चलिए ठीक है, राइट, ठीक है संजीव जी, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात 10 बजे। आई एम श्योर ये कन्विक्शन भी आपकी स्ट्रांगली प्ले आउट होगी। तो आरबीएल बैंक पर अब भी ऊपर तक के लेवल्स देखते हैं संजीव जी, और यहाँ पर अभी 120 पर चल रहा है, 15% तेज है, और वो अभी भी कहते हैं कि एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। वैसे भी मिड कैप स्मॉल मिड कैप पीएसयू बैंक में जिस तरह की रैली दिख रही है, फिर आरबीएल बैंक तो प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल आरबीएल और बंधन का हमने रोल ओवर के नंबर्स भी देखे हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, बंधन के अंदर भी काफी अच्छे, लेकिन इस बीच में दो शेयर आपको जरूर नोटिस कराऊंगा। आप एनटीपीसी देखिएगा, थोड़ी पहले नरेश बता के गए थे, और आज हमने सुबह 12 बजे राहुल शर्मा से बातचीत की, तो इसमें ब्लॉक डील लगी 19 लाख शेयरों की, टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, लेकिन ये फिर भी काफी अच्छा चलने वाला शेयर बन रहा है आप सामने, एक ब्लॉक डील लगी है। और दूसरा शेयर राजेश जी, ये अदानी एंटरप्राइज तो चल गया सर, 40 रुपए चल गया सर, जहां से आपने बोला था। कॉल आपकी कितनी की होगी जो आपने बताई थी, 185-190 वाली? जी अभी 212 के आसपास ट्रेड कर रही है कॉल, हमने जब डिस्कस किया था उसको 182-185 के जोन में था वो कॉल ऑप्शन, 3100 के स्ट्राइक का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस कॉल ऑप्शन के 225 से 230 तक के टारगेट हो सकता है आज ही अच्छी होते हुए दिखे। और अडानी इंटरप्राइज में भी देखे तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि 3200-3250 तक का मूव इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, तो हमने इस ट्रेड को ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे इनिशिएट किया था, तो अभी ऑलमोस्ट 215 के आसपास ट्रेड करी, तो बने रहे, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले, 225-230 तक के टारगेट हमें लगता है आज के सेशन में इसमें अच्छी होते हुए दिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, जब ये शेयर चलता है तो फिर बहुत जोरदार चलता है, लास्ट का जो मूवमेंट आप देख पा रहे हैं शेयर अब 3% बका था, 100 रुपये चल गया, और देखते ही देखते ये 3080 का भाव था, अभी 3130 है, ये शेयर को जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। दानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर फिर से एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, क्या पेपर स्टॉक पे भी लगातार हमको तेजी आती हुई दिखी है, सेक्टर में तेजी क्यों है, क्या इसकी वजह है, बताने के लिए शरद मरसा जुड़ रहे हैं। फटाफट से शरद से पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ पेपर स्टॉक्स के बारे में चर्चा भी करेंगे। शरद जल्दी से बताइए पेपर स्टॉक्स के बारे में। वेल पेपर स्टॉक्स जो है फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल जो है कंपनी ने इंडिकेट किया है कि सितंबर महीने से 3 रुपये प्रति केजी जो है प्राइस हाइक लेने वाली है। अब ये जो है लास्ट मंथ में भी कंपनी ने जो है हाइक ली थी 4 रुपये के अगस्त के महीने से, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि बाकी अन्य जो पेपर कंपनीज है वहाँ पर भी प्राइस इंक्रीज देखने मिल सकता है, और ये मल्टी मंथ
लेवल पे हाईस पे जाने वाले हैं आपके प्राइसेस। सप्लाई डिमांड मिसमैच जो है जरूर रहने वाला है, ये चैनल चेक्स कह रहे हैं और डीलर चेक में भी, लेकिन ओवरऑल डिमांड बहुत स्ट्रांग रहा है। और याद रखिए जो ग्रेड ए मिल्स होती हैं, जैसे कि आप जेके पेपर ले लीजिए, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, ये ग्रेड ए मिल्स होती है, इनकी कैपेसिटी लेवल्स अभी भी पीक पे है, सबसे ऊपर चल रही है। और डिमांड जो है ऑफकोर्स ऑफिस और स्कूल खुलने का जो इम्पैक्ट है वो सस्टेन कर रहा है। प्राइसेस की अगर बात करें प्राइसेस की, तो यहाँ पे प्राइसेस फर्म है थ्रू आउट द प्रोडक्ट कैटेगरीज, और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 या 3 तिमाही में भी जो है ये प्राइसेस फर्म रहने वाले हैं। हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस में ज़रूर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 10 से लेकर 15% प्रीमियम पे चल रहे हैं अगर आप डोमेस्टिक प्राइसेस से उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, ये कुछ एक पेपर स्टॉक्स के बारे में जानकारी शरद आपको देते हुए। जल्दी से मितेश, आप 2-3 शेयर चेक कर लीजिए। एक तो जेके पेपर आपको चेक करना है, और दूसरा आपको जो पेपर स्टॉक है वो चेक करना है वेस्ट कोस्ट। इन दोनों को जल्दी से आप चेक करके बताइए क्या करना है। देखिए लगातार जो तेजी चली थी जेके पेपर में वो कहीं ना कहीं पॉज हुई है, तो अभी नया बाइंग है वो 450 के ऊपर ही होगा। तब तक आई थिंक एक जब तक वो 450 क्रॉस नहीं होता वीकली चार्ट के ऊपर, तब तक वहां पे एक नया ट्रेंड या नया रेंज ऊपर खुलना थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजन बीइंग इज दिस दैट के बहुत ही कम समय में 267 से लेके 267 से लेके 450 का रनअप जो है वो पिछले 7 या 8 वीक में ही हुआ है। तो आई एम ऑफ द व्यू के आई थिंक जो अगर फ्रेश उसमें आपको एंट्री लेनी है तो 450 के ऊपर वीकली क्लोज आए तभी आप लीजिएगा। दूसरा है वेस्ट कोस्ट पेपर, तो वेस्ट कोस्ट पेपर के अंदर आई थिंक वहां पे जो चार्ट पैटर्न है वो कंपेयर टू जेके पेपर ज्यादा प्रॉमिसिंग है, इसलिए कि वहां पे हर एक डिप्स को अगर मैं आवर्ली चार्ट और डेली चार्ट का कॉम्बिनेशन करूं तो वहां पे हर एक डिप को खरीदा गया है। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिप मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव एक्युमुलेटेड द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से दोनों में अगर मुझे पसंदीदा करना है तो वेस्ट कोस्ट पेपर रहेगा करंट लेवल के ऊपर। ओके, तो चलिए पेपर स्टॉक्स फोकस में। और सितंबर से यहाँ पर पेपर की कीमतों में बढ़त के जो संकेत मिल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है, और वेस्ट कोस्ट पेपर 622 के लेवल्स पर, इस पर मितेश की राय यहाँ पर आपको मिलती हुई। राजेश जी गुड आफ्टरनून, एक्सेल इंडस्ट्रीज 1420 के लेवल्स आपने बीटीएसटी के तौर पर दिया था, इसे एक तो हाईलाइट करना चाहेंगे। इसके अलावा भी टीटागढ़ वेगन्स डीएनएफसी पर आपने स्टॉक रिकमेंडेशंस दिए थे। एक्सेल इंडस्ट्रीज में करीब 5-5.5% की तेजी दिख रही है, आपकी दी गई कॉल अच्छा परफॉर्म करती हुई, इस पर अगर कोई टारगेट रिविजन है तो बताएं, और साथ ही बीटीएसटी कॉल्स अगर आप देना चाहें। बिल्कुल मानसी जी, काफी अच्छा मोमेंटम बना एक्सेल इंडस्ट्री में आज, और जिस तरीके से रेंज ब्रेकआउट हुए हमें लगता है कि ये तो अभी स्टॉक में अब एक अच्छा नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम पोजिशनली इसमें 1550 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टारगेट 1420-1430 तक के थे, वो अचीव होते हुए दिखे, लेकिन हमें लगता है कि जो पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहे वो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में 1370 अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड के पोजिशनल टारगेट 1550 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जील का, जी एंटरटेनमेंट का। जिस तरीके से स्टॉक में अब यहाँ पे 260 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है जिस तरीके से रोल ओवर एक्शन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। 275-280 तक के अपसाइड हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकती है, तो जील यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 258 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है बीटीएसटी के हिसाब से वो एबीबी का, एक कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे भी बनते हुए दिख रही है, और जिस तरीके के रोल ओवर एक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रही है हमें लगता है बीटीएसटी में ये स्टॉक में टारगेट जो आना चाहिए करीब 3100 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो बीटीएसटी में एबीबी भी बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 3000 का। तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे बीटीएसटी यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी वो मेटल स्टेज से, और मेटल में हम वेदांता पे वापस रीट्रेड करने के लिए यहाँ पे कहेंगे, हम ऑलरेडी वेदांता पे लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बाय दे रहे हैं, और सेप्टेम्बर सीरीज के लिए भी हमने ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, तो वेदांता में जो एक्शन लास्ट के 15-20 मिनट में देखने को मिली हमें लगता है ये बीटीएसटी के लिए बाय किया जा सकता है। 276 से लेके 280 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, 262 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 276 के बाद 280 तक के टारगेट्स पे वेदांता में 2% की तेजी, और एबीपी भी यहाँ पर राजेश जी की तरफ से 3100 के टारगेट्स अच्छी मजबूती के बीच आज ये स्टॉक दिन की शुरुआत से ही ट्रेड करता हुआ करीब 6% की बढ़त पर। रुद्रा हाय गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से बीटीएसटी ट्रेड क्या होंगे आज के लिए? या मेरे को जी भी अच्छा लगता है, और ब्रेकआउट आज दिया है स्टॉक ने, एंड अबाउट 260 जी लुक्स रेडी फॉर इवन 280 लेवल्स
but just for a day, if you want to take a position, buy Z at current market price, look at target of 270 with a stop loss of 260. Another great call, if I have to give for a BTST, that is SBI card. We have already seen small banks moving up. I feel even related to similar financial sectors will also do good. So for me, SBI card looks very strong. And even for a positional call, one can go long. For a BTST, if you want to buy, buy SBI card. Target of 945 with a stop loss of 915. So Z and SBI card for a BTST trade. And positionally, I was telling, I am there here till 3:30. You can ask me. And Nifty Bank Nifty will close closer to highs of the day. You are seeing already the short covering. And this move will continue till 3:30. All right. 3:30 तक move continue रहेगी. यानी 2 बजे के बाद जो हमारे जितने भी FII investors हैं वो ज़्यादा aggressive हो जाते हैं, active हो जाते हैं. रुद्रा, कहाँ पर majorly आपको short covering दिख रही है? सिर्फ banks या फिर ये rally lead और दूसरे sectors भी कर रहे हैं? प्रियंका, यू आर वेरी मच राइट. बैंक्स में ही अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वेंट शॉर्ट व्हेन निफ्टी करेक्टेड एंड इवन बैंक निफ्टी करेक्टेड फ्रॉम दोस लेवल्स ऑफ 18,000 एंड बैंक निफ्टी फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू दैट 39,500 40,000 से क्या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, उधर थोड़ा ज्यादा शॉर्ट्स है. सो शॉर्ट कवरिंग शुड डेफिनेटली कम फर्स्ट इन बैंक एंड एस्पेशली स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक, Axis Bank will be the favorite. Once where people shorted Axis and ICICI at higher level, these guys will start covering. And even PSU Bank, stocks like Canara Bank, even stocks like Bank of Baroda will do good. But if I have to pick from stocks like your RBL Bank, Bandhan Bank, or even Indus India Bank, or smaller banks like Repco Home Finance, stocks like, let us say, even Ujjivan, I'll be very, very specific here. You are looking at RBL Bank going up from, let us say, 100 to 115, but you have not seen it coming down from 800 to 115. So my point is, pick up quality small banks, and few of the names I can give you there is definitely Ujjivan, a stock which you can definitely buy. And if you want to buy something from PSU Bank, look at Canara Bank, look at Federal Bank, fantastic bank, which is a small bank. Why do you have to buy RBL when you have Canara Bank? That is what I say. And why do you want to buy RBL when you have even stocks like Repco Home Finance is good, Ujjivan is very, very good. These are all fundamentally strong stock. So Ujjivan is always far better. Repco Home Finance, another stock. Federal Bank, another stock. So I will be very clear when I buy my small bank. And even in PSU, Canara Bank and Bank of Baroda are my top picks. तो आप PSU बैंक स्पेस पर, ये फेडरल बैंक आपको ज्यादा पसंद आता है, और हम देख रहे हैं फेडरल बैंक हो, बंधन बैंक हो, CUB हो, वहां पर अच्छी मूव तो आज दिख रही है. आज पैकेजिंग काउंटर भी सुबह से ही तेज दिख रहा है, यूफ्लेक्स हो, जिंदल पॉली हो, इनमें आज अच्छी मूव है. मितेश, क्या कोई ट्रेंड पैकेजिंग काउंटर्स पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? यूफ्लेक्स में एज ऑफ नाउ मूव जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन अगेन उस यूफ्लेक्स को वीकली चार्ट के ऊपर 720 उसका जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर क्लोज आना पड़ेगा, उसके बाद ही एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा ये स्टॉक. तो जब तक 720 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे ये स्टॉक्स में. ओके, ठीक है. कुछ एक और स्टॉक्स भी अमितेश आपसे पता करने हैं, आप तैयार रहिएगा. लेकिन इस बीच आपको एक और खबर भी बता देते हैं. देश में एथेनॉल उत्पादन अब 910 करोड़ लीटर के भी पार पहुंच गया. एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस पर और जरा जानकारी देने के लिए प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रकाश, जरा बताइए इसके बारे में पूरी जानकारी, फिर हम आज के मेहमानों से पता करेंगे. देखिए, एथेनॉल प्रोडक्शन के मोर्चे पर काफी सकारात्मक खबर है. सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके हिसाब से देश में एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़कर 910 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने जो डेटा रिलीज किए हैं उसके हिसाब से एग्री बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है देश के अंदर वो बढ़कर 307 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है. उसी तरीके से मोलासिस बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसमें भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये बढ़कर 605 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है. उसी तरीके से अगर आप एथेनॉल सप्लाई ईयर 2021-22 के की जो प्रोडक्शन डेटा है इसकी तुलना अगर आप इथेनॉल सप्लाई ईयर 2020-21 से करें तो शुरुआती 8.5 महीने के दौरान ही पिछले साल के कुल प्रोडक्शन को इसने पार कर लिया है, जो कि 302 करोड़ लीटर के करीब था. तो एक तरीके से हर कैटेगरी में इथेनॉल प्रोडक्शन में काफ़ी मजबूत तेज़ी देखने को मिल रही है.
जहां तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इथेनॉल सप्लाई का सवाल है, इसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14 अगस्त 2022 के आंकड़े के हिसाब से 313 करोड़ लीटर इथेनॉल जो है वो OMCs को सप्लाई किए गए हैं। तो इस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी अपनी प्लानिंग की है, अगले साल अप्रैल महीने तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ये योजना है कि सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पे वो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की सप्लाई जो है वो करना शुरू कर देंगे और 2025 तक पूरे देश भर में हर पेट्रोल पंप पे 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की सप्लाई जो है कंज्यूमर के लिए की जाएगी। पर इसको सीधा सीधा फायदा होगा, एक तो ब्लेंडिंग वाली कंपनीज जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ब्लेंड करके तेल बेचेंगी, मार्जिन ठीक हो जाएगा। दूसरा, ये जो शुगर कंपनीज हैं जो कि एथेनॉल बनाती हैं इस देश में, उनको बड़ा बेनिफिट होगा, और जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी जैसे कि पराज, उनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि उनका ऑर्डर फ्लो काफी अच्छे आएंगे एथेनॉल को लेकर। और भारत उन तरक्की करने वालों देशों में से है जिसने एथेनॉल को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया अपने पेट्रोल और डीजल के साथ में। आगे बढ़ते हैं, जरा मेहमानों से पता कर लेते हैं इसमें कैसे देखा जाए। बलरामपुर चीनी एक बार जरा चेक करेंगे आप, राजेश जी ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? ये एफएनडो का शेयर है इसलिए पता कर रहा हूं, बाकी सारे चीनी के शेयर्स नॉन एफएनडो हैं। तो देखिए बलरामपुर चीनी में अब पिछले दिनों में कई अब एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला स्टॉक में, अभी भी देखे तो एक अपने सपोर्ट बेस के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे इसमें 325-330 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास स्टॉक ने एक बेस जरूर बनाने की कोशिश करी। यहाँ पे स्टॉक में प्राइस एक्शन के हिसाब से जब तक ये 355-360 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा वहां पे शॉर्ट कवरिंग का मूव अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि शायद 1 से 2 दिन थोड़ा म्यूटेड रहे, न्यूज के चलते जरूर एक पॉजिटिविटी बनना चाहिए। 355-360 के बाद हमें लगता है एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है और ये यहाँ पे फिर उसके जो टारगेट बनना चाहिए 380 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, 355 के बाद इसमें बाय करने की सलाह देंगे। चीनी पर ये राय 344 के लेवल्स पर न्यूज फ्लोज है लगातार और इसी के चलते शुगर स्पेस जो है वो फोकस में भी है। रुद्रा पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इस स्टॉक में आज अच्छा एक्शन हम देख भी रहे हैं, करीब 4% की मजबूती के साथ स्टॉक में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, मजबूती है यहाँ पर चार्ट्स अप पर, क्या लगता है यहाँ से और ज्यादा तेजी, क्योंकि एक डिप जरूर दिखा था पिछले दिनों ऑलमोस्ट 1850 के लेवल्स का डिप देखने के बाद अब हम देख रहे हैं ये 2000 की तरफ बढ़ता हुआ। रुद्रा ये सवाल आपके लिए है, ठीक है रुद्रा से संपर्क टूट गया। राजेश जी इस पर आप राय देना चाहेंगे, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड 1850 के लोज इसी हफ्ते हमने देखे हैं स्टॉक में और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं 1972-73 ऑलमोस्ट 2000 के पास जाता हुआ। तो मानसी जी देखिए सही वापस मुझ पे ये क्वेश्चन दिया है, ये स्टॉक मैंने शो की शुरुआत में ही रिकमेंड किया है और हम बिल्कुल यहाँ पे बुलिश है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक में काफी अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए देख सकते हैं क्योंकि बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बेस बना है। वीकली सेटअप पे यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिखे, स्टॉक 100-day मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 4 दिन से सस्टेन कर रहा है और जिस तरीके से रोल ओवर की एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है, हमने आज जो टारगेट सजेस्ट करे वो 2040 तक के, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक में जैसे ही 2000 के लेवल सरपास होंगे तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है और फिर पिरामल एंटरप्राइज में पोजिशनल टारगेट 2200 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो व्यू बुलिश है, पोजिशन यहाँ पे कैरी करना चाहिए BTST के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज थोड़ा सा पोजिशनल भी इसको अगर होल्ड करेंगे तो अच्छा मूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। के ओपनिंग कमेंट्स मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेस को थैंक्स अगेन फॉर गिविंग योर रिकमेंडेशन, इसे रिविजिट करने के लिए आपका शुक्रिया। 2020 के पहले टारगेट, राजेश जी कोटक बैंक अगर डिस्कस नहीं हुआ, कोटक बैंक क्या BTST के तौर पर ले जाना चाहेंगे? अच्छी मजबूती यहाँ पर भी हम देख रहे हैं और अच्छी बात है ना राजेश जी, अगर कोई अच्छी कॉल्स आप दे रहे हैं तो 2 बार व्यूअर्स सुन लेंगे उसे। कोटक बैंक बिल्कुल यहाँ पे बुलिश ही है और बैंकिंग फाइनेंशियल में जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस बन रहा है, हमें लगता है कोटक बैंक भी काफी समय से देखे तो एक रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अब वीकली सेटअप के हिसाब से ऑलमोस्ट ही अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है जो की है करीब 1860-1865 के जोन में। हमें लगता है कि यहाँ पे 1870 के बाद इसमें एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिख सकता है, हो सकता है कि वो मूव कल के सेशन में बनते हुए दिखे क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लियर ब्रेकआउट दिया 39,000 के ऊपर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनेगा वहां पे कोटक बैंक ICICI बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहेगा जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखेंगे और कोटक बैंक में फिर 1870 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1920 तक के इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।
है ऑल राइट तो ये आपका कोटक बैंक पे एक व्यू रहेगा। एक बार मितेश आपके भी क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, कोई बीटीएससी ट्रेड्स जो आपके होंगे यहाँ? दो बीटीएससी ट्रेड है, आई थिंक पॉलीकैब में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव करने के लिए स्टॉक रेडी है, तो करंट लेवल से पॉलीकैब में खरीदारी बीटीएससी के लिए की जा सकती है। 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट रहेगा 2450-2480। मुझे कल के सत्र के अंदर बहुत ही एग्रेसिव बाइंग पॉलीकैब में वो दिख रहा है। दूसरा है एमजीएल, एमजीएल ने भी पिछले आधे घंटे में अच्छा एक्युमुलेशन करके 15 मिनट की चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, तो करंट लेवल के ऊपर एमजीएल की खरीदारी की सलाह रहेगी। 845 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट रहेगा 885, दूसरा टारगेट रहेगा 890 का। ओके ठीक है, तो पॉलीकैब और एमजीएल ये दो स्टॉक्स आप यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। चलिए क्लोजिंग ट्रेड्स में कुछ और स्टॉक्स भी जो अच्छी मूव दिखा रहे हैं और क्या अब तो तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। 17600 रुद्रा, 17600 के ऊपर हम निकल चुके हैं, एक्सपायरी आप कहाँ देख रहे हैं, 17650 के ऊपर होगी? प्रियंका यू नीड फर्स्ट गॉड्स ग्रेस, सेकेंड यू नीड गट्स, थर्ड यू नीड करेक्ट रिसर्च टू टेल। 245 आई वॉज स्क्रीमिंग इन 18 आवर्स स्वदेश ओनली एक्सक्लूसिव that bank nifty will see a huge short covering, I will be here and you will see that big move. See where is bank nifty now, 39,110 on future, 250 points move in no time. And also look at ICICI bank, 875. And let me tell you, this market will see some more short covering rally because lot of people have already taken short and they are caught on the wrong side. But however, one has to be very careful in the right stock what you pick if you are trading. It is not a market at 15,200 where you buy any share and you can still make money. Right now markets are closer to that all-time high. So I'm not saying we will cross all-time high very soon, 18,600 will go off, market will be super bullish, because now it is not at 15,200. But what I'm only trying to tell is, for a very short-term trade, idhar jaake short nahi kar sakta hai. And I even told you, short covering rally will come in the last half an hour, 45 minutes. See Bank Nifty at day's high. Look at even Nifty Future, that is also at day high. I see Nifty expiring somewhere closer to 17,650 to 17,700, and even Bank Nifty expiring somewhere closer to 39,300 to 39,500. But intraday traders who are waiting for this big short covering, abhi book the profit, take rest and enjoy the weekend bit early. नहीं रुद्रा, आप ये बात तो ठीक है आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपको अकेले क्रेडिट नहीं है, यहाँ पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने बोला था। राजेश पालेवा भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि 17650 तक होगा। संजीव बसीन तो कल ही बोल के चले गए, तो इस बार की एक्सपायरी तो तेज है, ये इंडेक्स पे दिख रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन बैंक्स के अलावा आपने कई सारी अपनी बीटीएससी ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जो आपने दिए हैं यहाँ पर। डिम्पी आप कुछ ऐड करेंगे कोई ट्रेड्स? हाँ एक्चुअली मैं राजेश जी से पता करना चाहता हूँ, राजेश जी ये वेदांता जो है इसको बीटीएसटी कर जाए क्या? आपने शुरुआत में एक कॉल दी थी, मैं इसको बीटीएसटी करना चाहता हूँ, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, बीटीएसटी कीजिए, और हमें लगता है कि सितंबर सीरीज में ये स्टॉक काफी अच्छा मूव करते हुए दिखेगा। आपके साथ शेयर भी किया हमने सितंबर सीरीज के लिए स्टॉक को, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेटल स्पेस में जिस तरीके से एक्युमुलेशन पिछले कुछ हफ्तों में लोअर साइड पे देखने को मिला, इसमें स्पेशली वेदांता और हिंडालको के सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेदांता में यहाँ पे 285-290 तो इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बीटीएसटी भी कैरी किया जा सकता है, पोजिशनल ट्रेड भी लिया जा सकता है, और किसी को ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे ट्रेड करना है सितंबर सीरीज में तो सितंबर सीरीज में 270 की स्ट्राइक का ऑप्शन लेके भी इसमें पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। 13-13.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस ऑप्शन के टारगेट 22 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 9 रुपए का। मितेश आपकी तरफ से कोई एक बीटीएसटी कॉल आप दोगे? सिर्फ एक ही चाहिए, आज ट्रेड थोड़े ज्यादा हो रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा कम कम सौदे पूछ रहा हूँ, एक बीटीएसटी का सौदा। सर मैंने दो बीटीएसटी के ट्रेड किए, पहला है एमजीएल, पहला था एमजीएल, दूसरा था पॉलीकैब, अगर तीसरा चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। और बताओ अगर आप आपने देख रखा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे पता कर लेता हूँ, आप अशोक लीलैंड एक बार जरा देख लो आप, आपको अगर वो ठीक लगता हो तो। वही मेरा बीटीएसटी, वही था बीटीएसटी।
देखिए आपके मन की बात समझ गए आज तक, बहुत बढ़िया मैच कर गए सर। फिर तो 152 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आएगी और आई थिंक 170 तक ये रैली चलेगी। 148.50 का जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था वो कुछ ही समय पहले ये स्टॉक में इंट्राडे बेसिस के ऊपर क्रॉस हुआ है। 149.80 के ऊपर फ्यूचर भी ट्रेड कर रहा है, तो 145 के स्टॉप लॉस से ये इसमें बीटीएसटी किया जा सकता है। कल का ही टारगेट आएगा 155। अगर डिम्पीजी दो या तीन दिन का आपके पास समय है तो आई एम ऑफ द व्यू कि ये रैली एग्रेसिवली चलेगी अराउंड 165 टू 170 तक। रुद्रा, एक मेरे को आपसे बीटीएसटी पता करनी है, आप हाँ या ना में जवाब भी दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ होगा तो फिर लेवल्स देना। वो है एनटीपीसी, क्या मैं बीटीएसटी एनटीपीसी करूं? और एक और पॉइंट, मैं इसको सीरीज के लिए भी रखना चाहता हूं, आप अलाउ करोगे एनटीपीसी को? टिपिकली है एक्सपायरी का शेयर, बड़े एक्सपायरी से भी आगे देख रहा हूं इसके अंदर कुछ लेवल्स। डिम्पी जी, 155 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन एनटीपीसी। करंट मार्केट प्राइस offers a great risk reward to buy this share even at current market price. Positionally bhi bahut acha hai, chart patterns are very positive. Keep a stop loss at 154, just a rupee below that 155 support, and look at expiry trade of target of around 165 166, and even beyond that stock can even go till 180 to 200 for the next series. A clear buy with 154 stop loss. ओके, तो चलिए एनटीपीसी पर ये राय, 2% की तेजी। इस बीच मितेश, एक बार भारत गैस देखिए, कंपनी की एक बोर्ड बैठक होनी थी, बैठक के अनाउंसमेंट सामने आए हैं, दो शेयर्स पर एक शेयर बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है और स्टॉक में एक मूवमेंट है, करीब 2.5% की तेजी भारत गैस का स्टॉक इस वक्त देख रहा है। टेक्निकली एक बार चार्ट चेक कीजिए, बताएं इस पर आगे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं के ऊपर ऑफ द व्यू के उसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो यहाँ से 5-7% ऊपर आ रहा है, वो अगर क्रॉस होता है उसके बाद ही हम लोग ये काउंटर में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है जस्ट बिफोर 5 मिनट्स HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर जो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, वो जो आज भी 1% नीचे है, मुझे लग रहा है अगले 2 या 3 दिन से 2300 का लेवल क्रॉस कर देगा। तो 2200 के स्टॉप लॉस से 2 दिन का स्विंग ट्रेड इसमें अवेलेबल है फॉर द टारगेट ऑफ 2280 2300। तो ये राय भारत गैस पर। फिलहाल एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, वॉच लिस्ट में रखें, इस पे कोई ट्रेड्स की सलाह फिलहाल नहीं मिल रही है। लेकिन इस बीच नौकरी का स्टॉक देखें, करीब 4% की तेजी दिखाते हुए रुद्रा, यहाँ पर नौकरी इन्फो एज अगर देखें 4427 के लेवल्स हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को अगर यहाँ समझें, पिछले 5 दिनों में कमजोरी हावी हुई है और आज की इस तेजी को कैसे देखा जाए? मानसी जी, नौकरी हैज गिवन अ ब्रेकआउट पहला एट अराउंड 4200 लेवल, विच विल नाउ एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो नौकरी डेफिनेटली लुक्स पॉजिटिव। दीज आर स्टॉक्स यू हैव टू होल्ड इन वंस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, एंड आई से इफ नौकरी ब्रेक्स 4500 रूपी then momentum will come to the stock and further up move can be seen in the counter. So I will be a definite buyer, especially if you are an investor looking for quality mid cap. So you have to have Naukri in your portfolio. Current levels and any dips to 4200 buy, and as a trader also, if I have a position right now, I'll be looking at targets of 4500, and once 4500 is broken out, and then you can also look at higher targets of around 4850 to 4900. A very strong stock and a good stock to own in a portfolio. ठीक है राजेश जी, आपका वो अदानी एंटरप्राइज जो आपने रिकमेंडेशन दी थी बहुत जोरदार चली है, 3150 हो गया सर देखते देखते, 3080 था जब हमने कार्यक्रम में आपसे चर्चा इसके बारे में की थी, तब मेरे को ध्यान है शायद ये 1.5% ऊपर होगा, अभी 3.5-4% डे हाई स्पेस की क्लोजिंग देखो आप, क्या शानदार। आपके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके जरा बताइए ना, एक लॉट पे कितना बेनिफिट होगा वो जिसपे आपने रिकमेंडेशन दिया था? डिंपी जी देखिए, हमने सेफ्टी के साथ इसमें 3100 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 185 पे दिया था, 225 टारगेट थे, तो ऑलमोस्ट पर लॉट 20,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 40 यहाँ पे अगर देखें तो 500 इसका लॉट साइज है, तो जो स्टॉक में मूव बना है उसमें 20,000 पर लॉट का प्रॉफिट बना है अगर किसी ने ट्रेड इनिशिएट किया है, और टारगेट भी हिट हुआ है उसके 225। तो हम सजेस्ट करेंगे जिन्होंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था वो प्रॉफिट बुक करें, 20,000
अगर इतनी जल्दी प्रॉफिट बनता है ऑप्शंस ट्रेड में, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। अरे एक ऑप्शंस के अंदर का एक लॉट का प्रॉफिट है, इंटरेस्टिंग, 3.5% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस और बकायदा डेज हाईज पे क्लोज कर रहा है। ध्यान रखें शेयर पे अच्छा मूवमेंट है, जिनका इंट्राडे ट्रेड है प्रॉफिट बुक करना चाहें बिल्कुल करके जा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे शेयर छांट छांट के आपके सामने लेके आएँ जहाँ पर आपको इंट्राडे स्विंग्स और पोजिशनल स्विंग्स ज़रूर मिल जाएँ आपके लिए है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और पता करते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस, मितेश इसमें स्पार्क वापस आएगा कि नहीं? IGL, हाँ IGL, बेसिकली आज MGL का हमने BTST कॉल दिया है, तो मुझे लग रहा है बोथ IGL MGL अगले 2-3 दिन के लिए बहुत ही बजिंग रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक नई ट्रेडिंग रेंज में दोनों स्टॉक एंटर हो चुके हैं। स्पेशली IGL की बात करें, 422 का इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था, वो सक्सेसफुली क्रॉस हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे वो सस्टेन भी करेगा, 425 के ऊपर स्टॉक चल रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक स्विंग ट्रेड के लिए 420 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर आप चलते हो अगले 2-3 दिन में, तो मेरे हिसाब से 438-445 के लेवल्स आने चाहिए अगले 2-3 दिन से। स्टॉप रहेगा आप सर आपका 420 का। ठीक है, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई। दिन भर एक्शन दिखाने के बाद 17600 के पार निफ्टी में यहाँ पर हम देख रहे हैं लेवल्स टिके हुए हैं, और बैंक निफ्टी भी 39100 के पार फिलहाल कामकाज करता हुआ। आइए क्लोजिंग कैसी हो रही है विस्तार से जान लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए बाजार में आज आपको शार्प रिकवरी आज भी देखने को मिली। इनफैक्ट एक रेंज में था, रिकवरी नहीं कहना चाहिए इसे, एक रेंज कहना चाहिए। बाजार ने ऊपर की रेंज तोड़ने की पूरा अटेम्प्ट किया। लास्ट आवर में तो आप देखेंगे अच्छी खासी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखी है यहाँ पर, या फिर बोले कि ऊपर की तरफ लेवल्स बाजार दिखा रहा है। 17600 के ऊपर हम बंद होने की यहाँ तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ा बेस मार्केट के एक्सपर्ट्स देख भी रहे थे 17500 पे, हालांकि ऊपर की कॉल्स में भी राइटिंग है, तो देखना होगा कि कल कहाँ तक ये आपको मौका मिलता है ऊपर का। लेकिन फिलहाल एक्सपायरी से पहले का आप जो ट्रेड देख रहे हैं वो तेज दिखाई दे रहा है, बट कल कैसे रहेगा, दिन भर वोलेटाइल रहेगी या फिर आपको वन साइडेड डायरेक्शन मिलेगी, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े गेनर्स आज निकल कर आए हैं, आज मेजरली आपको जिन सेक्टर्स ने बड़ी तेजी दिखाई है उसमें से पहला सेक्टर है मीडिया ऑन द बैक ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज। NDTV की न्यूज के बाद हमने देखा कि वहां तो एक तेजी थी, पूरे मीडिया पैक में आज तेजी दिखाई दी। रियल एस्टेट स्पेस दूसरा बड़ा सेक्टोरल गेन्स जो दे रहा है, और साथ ही मेटल और PSU बैंक्स, मेजरली मिड कैप PSU बैंक्स, मिड कैप PSU बैंक्स, वहां पर आपको तेजी देखने। निफ्टी के गेनर्स की अगर बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, इंडसइंड बैंक, ONGC, NTPC, ग्रासिम, ये कुछ आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं जो आज आपको यहाँ पर आज देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने मिड कैप में भी देखा RBL बैंक जैसे, क्योंकि मिड कैप बैंक्स में बहुत अच्छी तेजी थी, प्राइवेट स्पेस का बैंक था, यहाँ 15% तक की मूव आपको RBL बैंक में देखने को मिली। वरुण बेवरेजेस दूसरा बिगेस्ट बेनिफिशरी मिड कैप स्पेस में रहा, और सन टीवी पूरा मीडिया पैक जैसे कि तेजी हमने बात भी की, और PSU स्पेस से दूसरा काउंटर जो मिड कैप गेनर भी था वो था IDFC फर्स्ट बैंक। FNO में भी आपको कुछ फाइनेंस काउंटर सामने निकल कर आए जिनमें अच्छी मूव थी, कैंसिन होम्स हो, नौकरी जैसे काउंटर हो, पिरामिल एंटरप्राइज, तो हमारे एक्सपर्ट्स की BTST राय भी है, यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिली, और साथ ही जी का काउंटर, उसमें भी आपको आज तेजी देखने को मिली। आज फिर से IT ड्रैगर ही था, और फार्मा स्पेस, क्योंकि बाजार डिफेंसिव नहीं था, बाजार कंप्लीटली आज अग्रेसिव था, अटैकिंग था, और इसलिए आपको दिखा कि आज फार्मा में भी किस तरह की भी सपोर्ट नहीं दिखा, इनफैक्ट ये ड्रैगर ही रहा। तो ये मेजर कुछ काउंटर्स थे, और हमने देखा कि क्योंकि काउंटर्स लाइक जिनमें मूवमेंट पूरे स्पेस के लिए ट्रिगर रहा, तो आज मीडिया पैक काफ़ी अच्छा तेज रहा। उसके अलावा बैंक्स लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको पिछले 3 दिन से दिखा रहे हैं, इनफैक्ट बैंक्स ही ऊपर लेकर आए इंडेक्स को, वहाँ तेजी को देखने को मिली। रिलायंस ने बड़ा सपोर्ट आज भी दिया, वीक नहीं है, ड्रैगन नहीं है, इनफैक्ट फ्यूचर्स में आप देखें तो वॉल्यूम्स बहुत तेज हुआ, जिस तरह की मूव आपको अदानी के स्टॉक्स में, अदानी पैक के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। तो ये कुछ काउंटर्स थे जो बाजार को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की। 17600 के ऊपर आप निफ्टी पर क्लोजिंग देख रहे हैं, और साथ ही बैंक्स भी आपको, ये कुछ मेजर काउंटर्स आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो टॉप गेनर्स भी रहे। लेकिन ब्रेंट क्रूड ऊपर की तरफ, वहाँ जरूर जो ट्रेड्स थे वो रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी काउंटर्स लाइक ONGC है, पेट्रोकेम स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी आपको एक मूव दिख रही है, क्योंकि ब्रेंट की चाल ऊपर की फिर से दिख रही है, लगभग $101 तक आपको ब्रेंट फिर से दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबली आज कैसे संकेत हो सकते हैं इसको जरूर वॉच आउट करना होगा, लेकिन बड़ा ट्रिगर जो रहेगा वो रहेगा अब कल एक्सपायरी ट्रेड का। तो फिलहाल
कल आपके साथ मॉर्निंग शो में ओपनिंग शो में फिर जुड़ेंगे फेथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। आज के फेथ को यही वाइंड अप करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश, रुद्रा, मितेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपने डिवाइस की और अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी हमसे शेयर की। चलिए कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।